हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक एंड फ्राई में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इजी और क्विकली बनने वाला सूजी टोस्ट। ये बहुत ही झटपट बनने वाला नाश्ता है, तो अगर आपको जल्दी में कुछ ब्रेकफास्ट बनाना है या स्नैक बनाना है तो उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है और खूब सारी वेजिटेबल्स से लोडेड भी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ली है 1 कप सूजी। यहाँ मैं बारीक वाली सूजी यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप दही। और अब इन दोनों चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। और दही और सूजी को इसी स्टेज पे मिक्स करने से क्या होगा, हमें आइडिया लगेगा कि आगे हमें इसमें कितना पानी ऐड करना है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और इसी के साथ हम डालेंगे 1 टमाटर वो भी बारीक कटा हुआ, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1/4 कप, और हरी मिर्च हम डालेंगे 1 से 2 बारीक कटी हुई, ये ऑप्शनल है, और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहें तो ये दोनों ही स्किप कर सकते हैं या फिर इसमें से 1 यूज़ कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच जीरा, और इसी के साथ हम डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। और अब इन सभी मसालों को और सब्जियों को हम ये सूजी और दही के साथ मिक्स कर लेंगे। इस तरह से स्टार्टिंग में मिक्स करने से क्या होगा, हमें आइडिया लगेगा कि पानी हमें आगे कितना ऐड करना है। तो इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, एक साथ बहुत सारा पानी नहीं ऐड करें। और अब इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते हुए हमें इस तरह का बैटर रेडी करना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं रेडी करें। और अब इसको हम ढक के रख देंगे लगभग 10 मिनट के लिए, तो जो सूजी है वो पानी को अब्सॉर्ब कर लेगी और ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। इस तरह से देखिए, बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। अगर बैटर थोड़ा पतला हो गया है तो आप उसमें थोड़ी सी सूजी मिला के थोड़ी देर के लिए और रख सकते हैं, और अगर थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। तो इस तरह से ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है बैटर की। तो अब इसके बाद हम इस तरह से ब्रेड स्लाइस लेके और इसके ऊपर ये जो सूजी का और वेजिटेबल्स का बैटर है इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे, जैसे हम जैम या बटर लगाते हैं ब्रेड पे। बस इसकी थोड़ी मोटी लेयर स्प्रेड करें, अगर बहुत ज़्यादा पतली लेयर स्प्रेड करेंगे तो इसका टेस्ट उतना ज़्यादा नहीं आएगा। ब्रेड का टेस्ट आपको इसमें ज़्यादा आएगा अगर आपने पतली लेयर लगाई। तो इस तरह से एक थिक लेयर हम ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देंगे और इसी तरह से सारे ब्रेड के पीसेस रेडी कर लेंगे। और अब ये ब्रेड स्लाइसेस कुक करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ हमने ले लिया है 1 तवा और इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लेंगे। मैं यहाँ पे घी यूज़ कर रही हूँ और फ्लेम को मीडियम रख के इसको तवे को थोड़ा गर्म होने देंगे। और अब फ्लेम को लो करके इसके ऊपर हम इस तरह से ब्रेड और सूजी जो हमने रेडी करके रखी है, ब्रेड के पीसेस को ऐसे उल्टा करके रखेंगे जिससे कि सूजी की वाली साइड है वो नीचे रहे। और अब इसे ढक के पकाएंगे लो फ्लेम पे जब तक कि ये सूजी वाली जो साइड है वो अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाती। मुश्किल से 2 मिनट में ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको पकने में। और अब इसके बाद हम दूसरी साइड भी घी लगा देंगे और घी लगाने के बाद हम इसे फ्लिप कर देंगे और दोनों साइड से अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक हमें अब इसको पका लेना है। तो ये आप देख सकते हैं सूजी जो है बिल्कुल भी कच्ची नहीं है, अच्छी तरह से कुक हो गई है। और अब इसको थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेते हैं दोनों साइड से। तो दूसरी तरफ से भी ये जो ब्रेड है ये अच्छी तरह से सिक चुकी है, कलर इसका बहुत ही बढ़िया आया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये नाश्ता। और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय और बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स भी नहीं चाहिए, तो बहुत ही सिंपल सा नाश्ता है। आप भी इसे बना के ट्राई करें, चाय के साथ, चटनी के साथ या केचप के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे सर्व करने से पहले मैं इसको 2 पीसेस में कट कर दूंगी, इससे क्या होगा बहुत इजी होता है इसको खाना। तो इस तरह से बीच से मैंने इसे कट कर दिया है और अब मैं इसको सर्व करने जा रही हूँ हॉट एंड सार केचप के साथ। आप चाहें तो अपने चॉइस की और भी कोई डिप के साथ या चटनी के साथ इसको सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी आज की हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इसे ट्राई करें तो हमारे साथ इसकी पिक्चर्स भी शेयर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।